गाइस 6.5 स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और 6.5 का टॉपिक जो है वो आपके पास है ज्योमेट्रिक सीरीज सही। अब सबसे पहले सीरीज क्या होती है आपको पता है, सीक्वेंस होती है लिस्ट ऑफ नंबर्स जो एक रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, उन लिस्ट ऑफ नंबर्स को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास एक सीरीज बन जाती है सही। और अगर ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर हो, मतलब अगर ऐसे सीक्वेंस हो जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, मतलब उनके दरमियान का रेशियो जो है वो सेम रह रहा है सही, तो अगर उन लिस्ट ऑफ नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। या सिंपल लैंग्वेज बोलो कि अगर सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है उसके अगर सब टर्म का आप सम कर लो तो उसको हम क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज बोलेंगे सही। और लिखते कैसे आपको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट 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 कॉमा ए आर एन माइनस वन सही। तो अब ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अगर मैं इसको ऐड कर दूं मतलब कॉमा की जगह प्लस का साइन लगा दूं तो ये मेरे पास बन जाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज सही। अब टॉपिक ये तो आपने पढ़ ली ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, टॉपिक ये है कि ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने का फॉर्मूला हमें निकालना है सही। तो मैंने लेट कर लिया जो SN जो है वो डिनोट कर रहा है ये पूरी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसके सम को डिनोट कर रहा है सही, सम टू n टर्म तक सही। तो मैंने नीचे n लिख दिया सही। तो फॉर्मूला क्या, तो SN बराबर हो जाएगा इस पूरी सीरीज के सम के, कि जो भी सम आएगा वो बराबर है SN के सही। वैसे SN नहीं बोलते इसको, S सब n बोलते हैं, सम S सब n मतलब होता है सब का मतलब सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो n जो है ना वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है सही, लेकिन आसानी के लिए SN बोल देते हैं इसको है। क्या करो आप इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ से r से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी r आ जाएगा और इसकी सब टर्म के साथ r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ r आ जाएगा, इसे जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर, जब इससे r मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, और जब इससे r मल्टीप्लाई होगा सही तो पावर क्या होगी, 1 बेसिस सेम है पावर ऐड होगी, तो माइनस 1 पे जब आप 1 ऐड करोगे तो कैंसिल होगी क्या हो जाएगा इसकी पावर सिर्फ n हो जाएगी सही। और इस वाली इक्वेशन को आप क्या बोल दो, 2 बोल दो। अब देखो एक चीज है, इस वाली सीक्वेंस में आपको सिर्फ आखिरी टर्म 1 मिल रही थी, यहां पर मैंने आखिरी 2 वाली टर्म लिखी है, मतलब आखिरी टर्म से पहले भी एक मैंने टर्म लिखी है सही, वो आपको समझाने के लिए लिखी है, वैसे उसकी सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। और अगर आपको पता है अगर आखिरी टर्म ये वाली है तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, माइनस 1 होगी ना उससे, अगर आखिरी वाली लेट से n माइनस 1 है तो इससे पहले वाली क्या होगी, इससे पहले वाली होगी ए आर एन माइनस 2, इससे पहले वाली टर्म होगी n माइनस 2, तो इस वाली इक्वेशन में अगर आखिरी टर्म ए आर एन है तो इससे पहले वाली क्या होगी, n माइनस 1 होगी सही। बस फॉर्मूला प्रूफ करना था इसलिए मैंने ये लिखी है। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लिया, जरा गौर से देखो, ए समझना कि आपको जो हम माइनस करते हैं ना, मतलब दो इक्वेशन लगते हैं नीचे वाली के साइन चेंज होते हैं वही वाला काम कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखो तो ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 के साइन चेंज होंगे, तो जितने भी टर्म है इनके नीचे क्या आ जाएगा, इन सबके साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगी इक्वेशन 2 के, तो एस एन माइनस आर एस एन लेफ्ट हैंड साइड पे ये होगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ए माइनस ए आर, ए को जरा भूल जाओ, ए आर माइनस ए आर कैंसिल हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, क्योंकि पूरी इक्वेशन में जहां जहां पॉजिटिव नजर आ रहा है वहां नेगेटिव कर दो आप सही, जब आप करोगे आपस में तो होगा क्या, ए आर इस नेगेटिव ए आर से कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर इस नेगेटिव ए आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, फिर इस सीरीज में जो ए आर क्यूब होगा वो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा सही, करते 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 ये वाली टर्म जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी सही। तो गौर से देखो, पहली इक्वेशन में ये वाली टर्म बच जाएगी मतलब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रही, और दूसरी इक्वेशन में ये वाली टर्म बच जाएगी ये किसी से कैंसिल नहीं हो रही सही, कॉमन आएगा प्लस आएगा, तो पहले इक्वेशन में से ए बचेगा दूसरी इक्वेशन में से ये वाली टर्म बचेगी, तो इसको ए लिख दिया और इसके साइन चेंज हुए थे तो ये माइनस ए आर एन हो जाएगा, बाकी जितने इस इक्वेशन में टर्म है और इस इक्वेशन में जितने टर्म वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम टर्म है और इसका साइन चेंज करके नेगेटिव हुआ तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इस वाली इक्वेशन में से ए और इस वाली इक्वेशन में से ए आर की पावर एन बच जाएगा सही। उसके बाद यहां से एस एन कॉमन लो, यहां से 1 बच जाएगा, यहां से आर बच जाएगा, और इन दोनों से ए कॉमन लो, 1 माइनस आर की पावर एन। अगर आपको सम का फॉर्मूला चाहिए तो 1 माइनस आर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो 1 माइनस आर नीचे आ जाएगा सही, तो सम का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अब देखो सम का फॉर्मूला यही होगा, लेकिन आपके बुक में ना फजूल में सिचोर बन गया है, कन्वीनियंस के लिए ये वाला यूज किया है, मतलब बोला उन्होंने क्या है, उन्होंने बोला है कि अगर मतलब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब आर ग्रेटर देन 1 होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हालांकि कोई जरूरत नहीं है चीज की, लेकिन जब बुक ने किया हुआ तो मैं इस चीज को फॉलो करवा रहा हूँ।
लेकिन आपको एक फॉर्मूला काफी है, कोई जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला आया कहां से, आप इससे माइनस साइन कॉमन ले लो ना, ये ए है ना, इससे अगर आप ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लो तो आर एन अब पॉजिटिव हो जाएगा और वन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यही हुआ। उसके बाद नीचे से भी आप माइनस कॉमन लो, आर पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, सही। अब इस माइनस को अंदर लिखो, बाहर लिखो, बात एक ही होगी, समझाने के लिए लिखा हूँ। इसको माइनस इस तरह लिखो, माइनस से माइनस कैंसिल, ये वाला फॉर्मूला आपको लगेगा, सही। तो कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं है, माइनस कॉमन नहीं आया, एक ही चीज़ है। लेकिन आपकी बुक में यूज किया गया जब आर ग्रेटर देन वन हो तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब आर माइनस वन होगा, और जब आर लेस देन वन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वन माइनस आर। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए सम के। उसके बाद वो दो नहीं, बेसिकली एक ही फॉर्मूला ये दो बनाए हुए हैं आपकी तरफ से। दूसरा फॉर्मूला किस तरह निकालोगे आप लेट कर लो, एल जो है वो लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, तो आपको पता है टी एन जो है वो एल के बराबर होता है, ये बहुत दफा मैंने आपको बताया। तो मतलब एल बराबर हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। अब देखो ये वाला फॉर्मूला मतलब दोनों सेम ही है ना, मैंने इस फॉर्मूले को पिक कर लिया। देखो अगर इस इक्वेशन में इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करोगे, मतलब यहाँ मैंने कह दिया इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। अगर आप इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो दोनों सेम ही है, तो कोई भी आप पिक कर लो और सॉल्व करो। मैंने इस इक्वेशन को पिक किया, इस फॉर्मूले को, सही। अब इसके साथ मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इसके साथ आ गया और ए आर एन के साथ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ए आर एन की टर्म जो है उसको मैंने आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सही। अब जो नीचे वाला आर है ना, दोनों की फिलहाल पावर क्या है, वन है ना, जो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। अब अपनी आसानी के लिए क्या करो, इस वाले आर को इसकी जगह पर लिख दो और इस वाले आर को लिख दो, मतलब इस तरह कर लो, एक ही बात है ना, जब नीचे आर था वो ऊपर इस तरह ले गया और ऊपर वाला आर मैंने अपने जवाब दे रखा है, आसानी में ले लिया। उसके बाद क्या करो, इन दो को मल्टीप्लाई करो। अब देखो बेसिस सेम है, मतलब आर और आर बेसिस सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर एन है, इसकी माइनस वन है, तो ऐड होगी क्या होगी, एन माइनस वन हो जाएगी, और ये आर जो इसको अपने जवाब दे लेंगे। अब हमने लेट किया एल किसके बराबर है, ए आर की पावर एन माइनस वन, तो इस पूरी चीज की जगह आप क्या लिख दोगे, एन लिख दोगे, सही। बाकी ये आपने जगह पे तो एक और फॉर्मूला आपका तैयार होगा, सही। अगर आप इस फॉर्मूले को पिक करोगे तब ये सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला तैयार होगा, सही। तो टोटल आपके पास दो फॉर्मूले आ गए सम के, सही। बस आपने इसमें चीज क्या है, अगर आप नोट करो दोनों फॉर्मूले में आपके पास टोटल चार अंक है। जैसे इस फॉर्मूले में देखो एस एन ए आर और एन, चार अंक है, सही। और इस वाले फॉर्मूले में देखो एस एन ए आर और एन, चार अगर आपके पास कोई भी तीन अनोन गिवन हो, जैसे अगर आपके पास एस एन गिवन हो, ए गिवन हो और आर गिवन हो, तो आप इसमें से एन निकाल सकते हो आसानी से, सही।